नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सिस्टर। आप बता रही थी ना लास्ट टाइम के जो किसी के बारे में हम सोचते हैं या कोई इमेज रखते हैं या बार बार उसको याद करते हैं, उसके बारे में जजमेंट पास करते हैं, वो सारी चीजें उसे एक SMS, WhatsApp, ईमेल की तरह पहुंच जाती है पहले। right. तो मैं इसके बारे में सोचता रहा और मुझे एक इंटरनेट पे बहुत सुंदर आर्टिकल मिला। साइंटिस्ट्स हैव सेंट अ मेंटल मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर 4,000 माइल्स अवे इन व्हाट दे क्लेम इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट। They connected one person in Mumbai, India, to a wireless headset linked to the internet and another person to a similar device in Paris. When the first person merely thought of a greeting such as ciao, Italian word for hello, the recipient in France was aware of the thought created. उसको समझ में आ गया कि उसने चाओ बोला है। नाउ हार्वर्ड न्यूरोलॉजी प्रोफेसर एंड रिसर्च को ऑथर डॉक्टर अल्वारो लियोन सेड दे वांटेड टू सी इफ दे कुड यूज एग्जिस्टिंग पाथवेज टू फाइंड आउट इफ वन कुड कम्युनिकेट डायरेक्टली बिटवीन टू पीपल बाय रीडिंग आउट द ब्रेन एक्टिविटी फ्रॉम वन पर्सन and injecting brain activity into the second person. We hope that in the longer term, this could radically change the way we communicate with each other. Brain-to-brain communication. कितना beautifully समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति मुंबई में बैठा है, एक व्यक्ति फ्रांस में बैठा है, 4,000 मील की दूरी है, बात नहीं कर रहे, लेकिन एक ने thought create की, और दूसरी जगह पर दूसरे के ब्रेन ने, उन्होंने कहा, वो थॉट को कैच किया है। एंड द एक्सपेरिमेंट इज सेइंग वी आर इंजेक्टिंग द ब्रेन एक्टिविटी ऑफ वन पर्सन इनटू द ब्रेन एक्टिविटी ऑफ द सेकंड पर्सन। और उन्होंने कहा टेलीपैथी साइंटिफिकली प्रूव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब टेलीपैथी साइंटिफिकली प्रूव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन टेलीपैथी हम में से सब ने कभी ना कभी अनुभव की है। कई बार अनुभव की है। किसी के बारे में मैं सोचता हूँ तो सडनली उसका फोन आ जाता है। और कभी हम किसी से कुछ बात कहने वाले हैं, लेकिन हमारे कहने से पहले ही सामने वाला उसका जवाब दे देता है या वो वाली बात कह देता है। ये सब टेलीपैथी, ये साइंटिफिकली अप्रूव हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी अब आ रही है उनके पास। टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस टेलीपैथी को साइंटिफिकली नहीं प्रूफ कर सकते थे। लेकिन हम सब में से किसी को भी टेलीपैथी का प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। हम सब ने टेलीपैथी अनुभव की है। मैंने थॉट क्रिएट की, सामने वाले ने कैच की, विच मीन्स वन क्रिएट्स अ थॉट एंड अनदर पर्सन इज एबल टू कैच इट। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन, राइट? क्योंकि साइंस क्या कहेगी, The communication is from one brain to another brain. लेकिन अब हमें समझ में आता है that the communication is from one soul to another soul. Yes. एक मन ने thought create की, दूसरे मन ने catch की. मतलब एक आत्मा ने thought create की, दूसरी आत्मा ने उसको catch किया. अब हमें अपने आप से पूछना है, एक आत्मा ने create की, दूसरी ने catch की, ये कभी कभी होता है या सारा दिन होता है? होना तो हर बार चाहिए। दिस वी हैव टू थिंक नो कि पता कभी कभी लग रहा है, लेकिन हो भी कभी कभी रहा होगा या हर बार हो रहा होगा? इट डिपेंड्स। मुझे तो पहले मालूम ही नहीं था। पहले मैं समझता था, अरे अभी सोचा आपको के बारे में और आप आ गए। इतना डिटेल में कभी सोचा नहीं था ना। अब समझ में आ रहा है ना हमें। अब ये समझ में आ गया, इन्होंने कहा ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेट हो गया। हमें ये समझ में आ गया कि आत्मा जो थॉट क्रिएट करती है, थॉट एनर्जी है, वाइब्रेट करती है। किधर वाइब्रेट करेगी? जिस आत्मा के लिए वो थॉट क्रिएट की गई है। कभी कभी हमें वो पता चल जाएगा,
लेकिन कभी कभी पता चलेगा डज नॉट मीन कि वो कभी कभी होता है. इट जस्ट मीन्स मैंने आपके प्रति एक थॉट अगर क्रिएट की और उसी क्षण अगर आप भी मेरे बारे में सोच रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, मिल गई, कनेक्टेड है. एंड इसीलिए आपने परसीव कर ली वो इन्फॉर्मेशन और सेम क्रम में आ गए. लेकिन अगर उस क्षण आप मेरे को याद नहीं कर रहे तो उस समय फ्रीक्वेंसी कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन जो मैं एनर्जी भेज रहे हो वो तो पहुंच ही रही है ना दूसरे को. बच्चा कहीं चोट लगती है, उसको कुछ होता है, वो दर्द में होता है, मदर कहती है मेरे बच्चे को कुछ हुआ है. ये कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता. ये कब होगा कि वहां बच्चा, उसको कुछ हुआ और उसे माँ को याद किया. उसने माँ को याद किया, लेकिन उस क्षण घर पर माँ उस समय बेटे को ही या बच्चे को ही याद कर रही थी, कनेक्ट हो गई. अगर उस समय मदर याद नहीं कर रही है, उसकी माइंड और इंटेलेक्ट कहीं और कनेक्टेड है, तो फिर परसीव नहीं होगा. विच मीन्स हमें पता वो कभी कभी लगता है, लेकिन वो कभी कभी नहीं होता है, वो हर बार हमेशा हो रहा है. यस, क्योंकि हम अवेयर नहीं थे ना. कई बार मैं बात करता हूँ किसी से, अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली. यस, I was about to say, मेरे मुंह तक आई और आप बोल दिए. Yes. मतलब उससे thought level, thought faster transfer हो गई ना. तो ये कभी कभी होता है. तो हमारी ये बिलीव सिस्टम थी, ये कभी कभी होता है. लेकिन अध्यात्म ने और विज्ञान ने दोनों ने क्या बताया कि ये तो सारा दिन हो रहा है. हम इसको कोइंसिडेंस एक्सीडेंट समझते थे, लेकिन दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज फैक्चुअल एंड दिस इज एवरी टाइम. अब हम एक क्षण सोचें कि हम हर थॉट जो क्रिएट कर रहे हैं ये दूसरे तक पहुंचते हैं, हर थॉट. हाँ, जब सामने वाला उस क्षण हमें याद कर रहा हो तो वो हमारी थॉट को कैच कर लेता है, लेकिन अगर वो हमें याद नहीं भी कर रहा, वो थॉट तो उस तक पहुंच रही है और उसके यहाँ एक मैसेज क्रिएट हो रहा है. अगर हमें ये ध्यान रहे तो फिर हम अपनी थॉट्स पर कितना अटेंशन रखेंगे, क्योंकि हम कर्मा देख रहे हैं ना. अब ये कर्मा बन चुका है कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ हम तक नहीं रहता, जो हम क्रिएट कर रहे हैं हम सामने वाली एनर्जी के साथ इंटेंगल हो चुके हैं. हमारा कनेक्शन, दिस इज हाउ कार्मिक अकाउंट गेट्स क्रिएटेड. इफ व्हाट आई वाज क्रिएटिंग वाज ओनली स्टेइंग हियर जस्ट विद मी, then it was only about me. कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उदास हूँ, it was only about me. वो मेरा यहाँ कर्मा होता, लेकिन वो कार्मिक अकाउंट कब बन गया किसी और के साथ, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ वो यहाँ तक नहीं रुक रहा, वो वहाँ पहुँच रहा है. वो जो सोच रहे हैं वो वहाँ नहीं रुक रहा, वो मेरे पास आ रहा है. विच मीन्स अ ट्रांजेक्शन शुरू हो चुका है ना, एक लेन देन शुरू हो चुका है ना. जहाँ लेन देन शुरू हो गया, अब मेरा हिसाब किताब एक और आत्मा के हिसाब किताब के साथ बन चुका है. नाउ कर्मा वी विल अंडरस्टैंड इट विल गो टू मेनी मेनी फोल्ड्स. यही हमने पिछली बार देखा कि मन पर पुरानी बातें अगर चल रही हैं तो वो यहाँ भी क्रिएट हो रहा है और सामने वाले तक भी पहुँच रहा है. अब अगर हम इस चीज़ को पकड़ लें तो हम याद रखें, एवरी थॉट आई क्रिएट इट्स लाइक अ रिपल. यू नो पॉन्ड है, उसमें एक पेबल डाला तो वो रिपल्स क्रिएट करेगा, बढ़ते जाएंगे और फिर वो किसी पेबल को टच करेंगे और रिपल्स बनेंगे और ये ऐसे आएंगे भी. दिस इज द रिपल इफेक्ट ऑफ एनर्जी. एनर्जी ऐसे जाएगी, दूसरे को हिट करेगी और एनर्जी वापस आएगी. ये कार्मिक अकाउंट सारा दिन चल रहा है. व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस तो हमें समझ में आ जाता है कि सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है, सब लोग जो मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज अ रिटर्न एनर्जी ऑफ सम एनर्जी दैट आई हैव सेंट बिफोर. फिर दुख किस बात का, फिर ब्लेम किस बात का,
फिर सोचने कि अगर दिस इज अ फैक्ट, सारा दिन अगर हमें ये कर्मा फिलोसफी, हमने कर्मा फिलोसफी बचपन से सुनी है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये बचपन से सुना जो है। करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो पाएगा, दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे तो गिरोगे, सारा कुछ, ये सारा कुछ सुना है। लेकिन इसको सूक्ष्म लेवल पर नहीं चेक किया था कि जो हम सोचेंगे बोलेंगे करेंगे, दिस वी नीड टू रिमेम्बर। पहले हमने देखा था कि जो हम बोलेंगे करेंगे, लेकिन अब है कि जो हम सोचेंगे, बिकॉज एनर्जी ऑफ एनी फॉर्म, थॉट वर्ड और एक्शन इज गोइंग टू रेडिएट एंड गो देयर। तो अब अगर लॉ ऑफ कर्मा इज ऑपरेटिंग, तो देन आई नीड टू अंडरस्टैंड कि एनी एनर्जी दैट आई सेंड आउट विल कम बैक टू मी। जो हम करेंगे सो हम पाएंगे। आजकल जो व्हाट्सएप निकला है उस पर काफ़ी कई बार नेगेटिव मेरे पास ही आते हैं, वीडियोस या मैसेजेस या बहुत नेगेटिव, बहुत वायलेंट। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर वहाँ आने के बाद किसी और को भेजूँ तो वह मेरा कर्मा बनते हैं भेजने वाले का। सपोज मैंने बैठकर वो वीडियो क्रिएट किया, या वो लिखा या वो बनाई बात, वो न्यूज़, तो मैंने क्रिएट किया, मैंने सेंड आउट किया, तो मैंने सिर्फ शायद 5 लोगों को भेजा, तो मेरा कर्मा किसके साथ बना? 5। उन 5 लोगों को मैंने वो भेजा, उन 5 ने 100-100 को भेजा, 100-100 को और भेज दिया, 500 लोग। ओके, 500 लोग। मैंने जब वो वीडियो क्रिएट किया, उस वीडियो की या उस मैसेज की क्वालिटी क्या थी? Negative. अगर इस मैसेज को पढ़ने से 5 लोगों के अंदर एक नेगेटिव थॉट क्रिएट होती है, तो उस नेगेटिव थॉट क्रिएट करने का जिम्मेवार कौन? जो जिसने बनाया, जिसने भेजा। उन 5 लोगों ने 100-100 लोगों को और भेजा, उन 500 लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट क्रिएट करने का जिम्मेवार कौन? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कौन जिम्मेवार? मैंने अगर भेजा तो 100 लोगों को मैं हो गया क्या? मैंने क्रिएट किया, पहली बात। अगर मैंने क्रिएट ही ना किया होता तो ये 500 लोग डिस्टर्ब ना होते। अगर मैंने क्रिएट करके 5 लोगों को भेजा ना होता तो ये 500 लोग डिस्टर्ब ना हुए होते। मैंने क्रिएट भी किया, दूसरे के चित पर भी भेजा, दूसरों ने फिर औरों को भेजा, और थोड़ी देर के बाद ये 500 नहीं, ये 5 लाख, और कुछ ही क्षणों में या कुछ ही देर में ये 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाएगा। इट जस्ट गोज वायरल ऑल ओवर द वर्ल्ड। 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ आत्माएं मेरे एक मैसेज की वजह से एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जिम्मेवार कौन? जो सेकंड पर्सन जो भेजता है उसकी जिम्मेदारी है। यस, अगर मैंने आपको भेजा और मैंने कट करके उसको डिलीट कर दिया तो दैट्स इट, स्टॉप, देन इट एंड्स देयर। आपने पढ़ा, इंफॉर्मेशन ली, इंफॉर्मेशन लेके यहाँ एक नेगेटिव थॉट क्रिएट हुई, वो कर्मा आपका बना। वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर, इन्फॉर्मेशन से थॉट, थॉट से रिकॉर्डिंग। इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमें लगता है कैजुअल, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, नो, डिलीट इट विदाउट रीडिंग। पहले एक फ्रेम से ही पता चल जाता है, देख के पता चल जाता है। एंड इट्स नॉट नेसेसरली ओनली अबाउट क्रिटिसिज्म या हेट्रेड, इवन इन द नेम ऑफ कॉमेडी, इवन इन द नेम ऑफ जोक्स, जिस तरह की चीजें हम भेज रहे हैं एक दूसरे को आज, किसी न किसी को डिमीन कर रहे हैं वो चीज। कभी नहीं तो कहेंगे पत्नियां ऐसी, कभी नहीं तो कहेंगे पति ऐसे, कभी नहीं तो ये पर्टिकुलर कास्ट ऐसी। ये सारी चीजें की क्वालिटी की क्या है इन्फॉर्मेशन की? नेगेटिव, वेरी लो एनर्जी। दिस इज कलरिंग द बिलीफ सिस्टम ऑफ पीपल। नो, हर बार एक जोक आप पढ़ेंगे, पत्नी ऐसी या पति ऐसा, यू नो, दिस काइंड ऑफ जोक्स, जो हमें लगता है ये तो जोक है ना, ये जोक एक इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन किसी के अंदर जब बैठती है तो उसका एक एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम इंडोर्स होता है या उसका एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है, उसके जिम्मेवार हम। मैंने एक बार एक फैमिली के हमारे मेंबर को बोला था, रिलेटिव को, कि कुछ तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत ही नेगेटिव टॉक है। बोला अंकल मैं ऐसे जोक किया। तो मैंने बोला था, देखो आप जोक करते करते मिसाइल्स का बटन दबाएं या सीरियसली दबाएं,
मिस साहिल को क्या मालूम है, वो तो चले निकल गई ना. हाँ. बोलता है यूनिवर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई एम जोकिंग. आपने एक थॉट क्रिएट की, फलां लोग ऐसे होते हैं. अब इसको आप सीरियसली कह रहे हैं या जोक कह रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये थॉट तो हो गई, बटन तो दब गया, बटन तो दब गया. एंड वो बटन अब कितने मिलियंस ऑफ लोगों के तक पहुंचने वाला है. ये किसी ना किसी के बिलीफ सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है और ये उसका कर्मा बनेगा. उस कर्मा के जिम्मेवार हम कितना इजीली पढ़ते जाते हैं. शुड नॉट इवन रीड. पोस्टिंग इट टू समबडी एल्स इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. अच्छा. शुड नॉट रीड. नहीं भरे अपने अंदर. एक बार कहा था इन्फॉर्मेशन से. इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है डेस्टिनी तक. बड़ा कर्मा है ना. इन्फॉर्मेशन से थॉट से डेस्टिनी तक है ना. तो इतना इजीली कुछ भी पढ़ लिया, सारा दिन मैसेजेस, नाउ देयर इज नो एंड टू इट. आते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं. यहाँ ऑलरेडी इतना कुछ भरा हुआ है, इतना कुछ है जिसको साफ करने की जरूरत है. इसको साफ करने की बजाय हम इसके अंदर और भरते ही जाएंगे. इसकी सफाई कब करेंगे? इसीलिए तो समाज की स्थिति देखें कैसे होते जा रही है. इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एनर्जी वी आर ऑन अ डिक्लाइन, डेफिनेटली ऑन अ डिक्लाइन. क्योंकि इतना सब भरते 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 आत्मा की पावर क्या होती जा रही है? कमजोर. क्योंकि क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं है. क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं, बिलीफ सिस्टम अच्छे नहीं बन रहे, आत्मा की पावर कम 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 होती जा रही है. अब जब हम पावर कम का मीनिंग क्या है, मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या नहीं, आपने भरा क्या? आपने एक नेगेटिव जोक पढ़ लिया, ठीक है, आपके अनुसार वो सिर्फ एक जोक था, नथिंग टू डू विद लाइफ. वो सिर्फ एक जोक पढ़ा आपने व्हाट्सएप पे, लेकिन वो पढ़ा, इन्फॉर्मेशन गई, एक थॉट तो क्रिएट हुई. एक थॉट क्रिएट करे बिना तो पढ़ नहीं सकते. थॉट तो क्रिएट हुई, थॉट क्रिएट की, फील हो गया, रिकॉर्डिंग बन गई. कौन सी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग कर दी? वेरी वेरी लो एनर्जी, वेरी लो एनर्जी. ओके. अब इतना इजीली इधर से जोक, इधर से मैसेज, इधर से न्यूज, इधर से ये बात, ये नेगेटिव एनर्जी की रिकॉर्डिंग्स जब होती जाएंगी, फिर वो फिर कभी जोक याद भी आ जाएगा, फिर किसी और को सुना भी देंगे. ये सब जब रिकॉर्डिंग होती जाएगी, तो हर बार एनर्जी की क्वालिटी कौन सी, तो आत्मा की शक्ति क्या हुई. यही अगर हम ऑपोजिट कर रहे हैं कि प्योर थॉट. आज बहुत लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत प्योर मैसेजेस भी भेजते हैं. कहीं से कुछ अच्छा मिला, औरों के साथ शेयर किया. आप देखो सुबह सुबह एक कोई अच्छा मैसेज भी आ जाए, कितने सुंदर आते हैं. एंड कितनी बार हमें लगता है कि अरे मेरे जीवन में जो बात चल रही थी बिल्कुल वही वाला थॉट आया, ये है तो मेरे लिए आया. अब ये जिसने भेजा उसने कितना अच्छा कर्म किया है. जब ये कर्म हमें दिखाई दे रहा है कि जब कोई एक बहुत प्योर मैसेज भेजता है, एक बनाता है, दूसरे को भेजता है, वो दूसरा 100 को भेजता है, वो 100 लाखों को भेजते हैं, तो वो एक जिसने बनाया, वो पता नहीं कहाँ 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 किसके कर्मा को इन्फ्लुएंस कर दिया उसने, पता नहीं किसके जीवन में आज उस मैसेज की ज़रूरत थी. अब किसको ज़रूरत थी उसको मिला, वो तो ब्यूटीफुल. लेकिन लाखों ने जिन्होंने पढ़ा भी, सिर्फ उनको ज़रूरत नहीं थी, कुछ नहीं किया उन्होंने उसके साथ, लेकिन सिर्फ पढ़ा. किसी ने ज्ञान की कोई बात भेजी सबको, हमने पढ़ा, तो कितनी प्योर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ी. 1 लाख लोगों ने भी अगर पढ़ा, 1 लाख लोगों ने सुबह सुबह एक प्योर मैसेज पढ़ा, अच्छा फील किया पढ़ के, 1 लाख लोगों ने अच्छी रिकॉर्डिंग कर ली, उस आत्मा ने कितना अच्छा कर्म कर लिया. जब प्योर थॉट का इम्पैक्ट हमें दिख सकता है, तो इम्प्योर जोक का इम्पैक्ट भी दिखना चाहिए. सही बात. इसको हम कहते हैं एक थॉट फॉर द डे. उसको हम कहते हैं सिर्फ एक जोक है ना, क्या फर्क पड़ता है. इन्फॉर्मेशन है, आप उसको वर्ड कोई भी दे दो, सामने वाले के लिए जो उसको ले रहा है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है. समथिंग विच विल बी रेड, थॉट, फेल्ट, रिकॉर्डेड. एंड ये सामने वाली आत्मा पर इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा. तो कितना अटेंशन रखना चाहिए. मजाक मजाक में लोग कई बातें बोल देते हैं.
And both, अरे आई वाज जस्ट जोकिंग, आई डिडंट मीन इट यार, तू तो सीरियस वो हो आपने गया. कहा ना, वो मिसाइल तो छूट गई, मतलब थॉट तो क्रिएट हो गई, यहाँ भी रिकॉर्ड हो गई, सामने वाले तक भी पहुँच गई, सामने वाले के यहाँ भी रिकॉर्ड हो गई. हम सबको इस बात पर ध्यान देना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वो भी हमारा कर्मा बन रहा है. इंटरनल रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये तो मैंने नहीं सोचा था कि इंटरनल रिकॉर्ड. ये मेरी कहाँ ध्यान रखें सिस्टर, एक थॉट लेवल से लेके यहाँ तक इतना अवेयर रखें कार्मिक अकाउंट ना बने, या जो पाथ पे हम चलना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए इतना ध्यान रखना पड़ेगा. इतना ध्यान क्या रखना है, जैसे अपनी शरीर का हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो ध्यान रखते हैं ना क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं. सही बात है, तब 10 आइटम रहते हैं उसमें से आपको जो पसंद है वही. तो आप ये थोड़ी कहते कहाँ कहाँ ध्यान रखें, ये भी क्या वो नहीं, आपको मालूम है कि आपके लिए डाइट के लिए क्या अच्छा है, फिनिश्ड फुल स्टॉप, इट्स वन डिसीजन. आई लाइक दैट वर्ड डाइट, आपके माइंड अभी मेंटल डाइट का. यस दिस इज ऑल्सो डाइट ना, हर चीज जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो आत्मा में रिकॉर्ड हो रही है, आत्मा का हिस्सा बन रही है, मेरी इमोशंस का हिस्सा बन रही है, तो वो मेरी इमोशनल मेंटल डाइट बनी ना. जब मुझ आत्मा के पास पहले ही ताकत कम है बिकॉज ऑफ सिचुएशंस इन माय लाइफ व्हिच आई एम गोइंग थ्रू, व्हिच आई एम नॉट फेसिंग द राइट वे, आई एम क्रिएटिंग नेगेटिव रिएक्शंस, कैन आई अफोर्ड टू डिप्लीट एनर्जी ओनली बाय रीडिंग एंड लिसनिंग टू जोक्स सटायर एंड क्रिटिसिज्म? तो रेलेवेंट नहीं है ना. तो इतना भी अगर आज ध्यान रखें, ये भी हम अपने कर्म में चेकिंग करें कि हर कोई चीज जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो मेरे कर्म का हिस्सा बन रही है, ये मेरे भाग्य तक प्रभाव डालेगी. तो कोई मैसेज आए, मैसेज भेजने वाले को रोक नहीं सकते, डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, उसको पढ़ने के बिना डिलीट करें. जैसे बोलते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, पढ़ने के बाद यस डिलीट बिफोर यू रीड, वेरी ट्रू. क्योंकि चला गया अंदर, सपोज आपकी प्लेट में मैंने कुछ डाल दिया तो खाने के बाद थोड़ी सोचेंगे कि ये तो खा लिया अब अगली बार देखेंगे. खा लिया, मैं तो कोई प्लेट डालता है तो उसमें से निकाल देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए. और अब तो हम ये भी नहीं कहते कि मैंने खा लिया, हम कहते उन्होंने खिला दिया. हाँ, मैं तो डाइटिंग पे था लेकिन उन्होंने इतने प्यार से खिला दिया, बिकॉज हमारी प्रोग्रामिंग इतनी ब्लेम गेम में चलती है. खा लिया भी नहीं, पी लिया भी लोग बोलते हैं, वन फॉर मी, मेरे लिए, मेरी खातिर. इसी तरह किसी ने हमें कुछ भेजा, हमने पढ़ लिया. That's bad. हमें सूक्ष्म ये चेकिंग हो जाए ना, तो हमें डेस्टिनी से डरना नहीं पड़ेगा कि मेरे भाग्य में क्या. जब अंदर इंफॉर्मेशन ही अच्छी गई, बिलीव सिस्टम ही सही बने, थॉट्स अच्छी क्रिएट होनी है, डेस्टिनी ब्यूटीफुल होगी ही. लेकिन अगर ऑपोजिट भेजा तो मेहनत बहुत कर लें फिर भी डेस्टिनी को वर्क करना डिफिकल्ट हो जाएगा. आई एम सो हैप्पी सिस्टर, ये बात मेरी क्लियर हो गई, क्योंकि मैं समझ रहा था मैंने थोड़ी बनाया. मैंने थोड़ी बनाया तो राइट बात है, आपने नहीं बनाया. आपकी डाइट को कोई चीज अगर नहीं सूट करती, सपोज आपने डिसाइड किया कि फ्राइड अच्छा नहीं मेरे लिए, सपोज आपने डिसाइड कर लिया, तो आपने नहीं बनाया लेकिन मैंने बनाया. सिस्टर हमारे घर में एक ग्रुप है, तो उन्होंने हर थर्सडे फ्राइडे को एक वन ऑफ दिस डेज कुछ बनाते हैं और एक संस्था में स्कूल में गरीबों को बच्चों को बांटते हैं. तो एक दिन एक वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप सेड कि भाई डिमांड आई हमको फिश खाने की. hmm. तो किसकी डिमांड आई? नहीं, ओल्ड एज होम की. ओल्ड एज होम नहीं, जिनके बच्चे उनको साथ नहीं देते, पेरेंट्स They haven't had fish from a long time. Hmm. So, तो मतलब मेरे घर में तो फिश बिल्कुल नहीं बनेगी, यहाँ तो आएगा भी नहीं अंदर किचन में. तो बोले हमारा क्या है, हम थोड़ा ही खा रहे हैं, डिमांड उनकी खाने वाले वो. तो मैंने बोला आई डोंट वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ इट, ना मेरे घर में आएगी ना बनेगी, आपको लेना है तो मार्केट से खरीद के उनको दे दो आप. और वो भी अपने पैसे से. मैं उसमें अपने एक रुपया भी नहीं डालूंगा. राइट. तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ खाने वाले का कर्म था, वो बनता है पहले खिलाने वाले का कर्म. अगर खिलाने वाला वो कर्म ना करे तो खाने वाला खा नहीं सकता. अब आपके यहाँ वो बन रहा है तो बनवाने वाले का कर्म. कर्म कितने इंटेंगल्ड होते हैं एक दूसरे मेरे घर के घर के वातावरण का. हाँ, तो कर्म लेकिन सब नहीं, आप निमित्त बन जाएंगे वो 100 लोगों को खिलाने. हाँ? के भी पार्ट ऑफ द क्राइम, पार्ट ऑफ इट. इसीलिए जो लोग
सपोज वेजिटेरियन है या अल्कोहल नहीं लेते हैं, वो ये भी अपना प्रिंसिपल रखते हैं कि हम तो नहीं लेंगे, लेकिन ना हमारे घर में ये होगा और ना हम किसी और को ये खिलाएंगे। अगर हम पार्टी भी देंगे, कहीं कुछ लेके भी जाएंगे डिनर पे बाहर, हम ये नहीं खिलाएंगे। क्यों? हम अपने धन को भी उस चीज़ में नहीं लगाएंगे, हम आपको वो चीज़ नहीं खिलाएंगे जो हमें लगता है कि सही नहीं, भले आपको सही लगती हो। तो इसका मतलब खिलाने वाले का कर्म, खाने वाले का कर्म। अब अगर खिलाने वाला खिलाना भी चाह रहा है, मतलब कोई मैसेज बनाकर भेज भी रहा है, खाना या नहीं खाना वो तो आपकी चॉइस है। वी कैन नॉट से मैंने नहीं बनाया, किसी ने बनाकर भेज दिया, मैंने फ्राइड बनाया और आके प्यार से आपकी प्लेट में भी डाल दिया, मतलब आपके फ़ोन पे भी वो मैसेज भेज दिया। स्टॉप, खाना ना शुरू कर दें ऐसे। चेक, इज दिस राइट फॉर माई डाइट? इफ नो, तो हाथ लगाने से पहले ही रिजेक्ट, डिलीट कर दें। ये नहीं कि पढ़ना शुरू करें, आधा पढ़ें, फिर सोचें अच्छा आधा है, फिर आधा और पढ़ लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट आ जाता है तब तक, डिलीट। ये है अपनी प्रोटेक्शन। ये लगेगा कि बहुत मुश्किल है बहुत ईजी। इट्स लाइक सेइंग नो आई एम सॉरी आई डोंट ईट दिस, सेम विद द मैसेजेस, आई एम सॉरी आई डोंट रीड दिस। धीरे धीरे ऐसे मैसेजेस हमें आने बंद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे, और आएंगे तो आके पढ़े रहेंगे, उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ना पढ़ना, ना किसी और को भेजना, इनफैक्ट ना फ़ोन पर रखना, डिलीट कर देना। दैट इज़ प्रोटेक्शन फॉर मी। ये बहुत छोटी बात लग रही है, बट दिस इज़ प्रोटेक्शन। जितना ध्यान फिजिकल डाइट का रखते हैं, उससे कई 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 गुना ज़्यादा ध्यान यहाँ की डाइट का रखना होगा। कई दिन से सोच रहा था ये आपसे बात क्लियर करूं। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। साइंटिस्ट्स सेंट अ मेंटल मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर 4000 माइल्स अवे। दे कनेक्टेड वन पर्सन इन मुंबई टू अ वायरलेस हेडसेट लिंक्ड टू द इंटरनेट एंड अनदर पर्सन टू अ सिमिलर डिवाइस in Paris. The person in Mumbai thought of a word, and the recipient in Paris was aware of the word created. Neurologists said they could communicate between two people by reading out the brain activity from one person and injecting brain activity into the other, thus proving telepathy scientifically. When we think of someone and they are also thinking of us at the same time, we get mentally connected and are able to perceive their thoughts. Telepathy will happen only when both are thinking of each other at the same time, but thoughts created are reaching the other person every time. People who create negative messages or share them on social media are creating a negative karma, because their message will create a negative thought in millions of souls. Protect yourself by not reading messages or jokes of criticism and hatred. Let us create a pure karma by sharing positive messages and create a global consciousness of purity.